ग्वालियर में असली और नकली किन्नर के बीच झगड़े में जमकर बवाल खड़ा हो गया। घटना इधर गंज थाने की है, जहां किन्नरों ने नकली किन्नर बने एक युवक को पकड़कर पहले जमकर पीटा, फिर उसे नग्न हालत में सड़क पर जुलूस निकाला। यही नहीं, बीच सड़क पर ही युवक के बाल काट दिए, जिसकी शिकायत पीड़ित युवक ने थाने में की है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल ग्वालियर के व्यस्तम चौराहे ऊटपुल रोड पर उस समय अफरा तफरी की स्थिति बन गई, जब किन्नरों के गुट ने एक युवक को नग्न कर पूरे इलाके में उसका जुलूस निकाला। बताया जा रहा है कि यह पूरा विवाद बधाई का पैसा लेने को ही, यही नहीं पीड़ित युवक को पहले किन्नर ने जमकर पीटा और बीच सड़क पर ही उसके बाल काट दिए। जब पीड़ित युवक मरणासन्न हालत में आ गया तो सभी किन्नर इंदरगंज थाने के पास युवक को छोड़कर भाग गए। तभी मौके से गुजर रहे ट्रैफिक डीएसपी की उस पर युवक पर नजर पड़ी और तत्काल इंदरगंज थाने को सूचना दी। फिलहाल इस मामले में पीड़ित युवक की तहरीर पर पुलिस जांच करने की बात कर रही है। कुछ नहीं हुआ, ये आज हम एक शादी की बधाई लाए, ठीक है। जैसे हमें जैसे वो है, कोई उनका लिखा पढ़ाता है नहीं है कि इनका इलाका, आज हम चले गए बधाई ले आए थे, हमारे रूम पे आए, मुझे खचोड़ के मारते, वो बैंकर बहुत मारा मुझे, मैं बेहोश हो गया, तो मुझे पानी डाल के फिर उसमें ला के दोबारा मारा मुझे। कितने लोग थे? जी लोग 10-12 लोग थे, आधे किन्नर थे आधे मेरे जैसे थे। मुझे छप्पर वाले पुल से पहले कायल टोके ले, कायल टोके से पाल के बिहार होते हुए फिर हाईकोर्ट होते हुए जहाँ छोड़ दिया, फिर मुझे पता नहीं, मुझे जहाँ मुझे चक्कर आया, मुझे पूरे कपड़े पार दिए, मेरे बाल काट दिए, मेरे इतना मारा, पूरा गाल सजा दिया मेरा, जो देखो कितने डंडा मारा मुझे। नाम क्या? नाम उनके, एक का अनीता है लाला बाजार वाली टोटी, एक का प्रिया है, एक का मुस्कान है, ठीक है, और एक का कुलटा है, और एक का शिल्पा। ये कम से कम 15-20 लोग आए, मुझे सब लोग ले गए मुझे। कहाँ से उठाया था आपको, कहाँ से लेके आए? मुझे चप्पर वाला पुल गड्ढे वो झाड़ू वाले मोहल्ले से। अरे यार, अभी मैं निकल रहा था तो वहाँ एक व्यक्ति बहुत बड़ा था, यंग व्यक्ति है, और उससे तत्काल उठा के ऑटो में डाला और यहाँ इंदर के थाने के सामने ला के खड़ा किया था। अब सब मतलब वो उसने भी आ गया, उसने बेहोश की हालत में था। अभी क्या है कि देखो, अब मेरी जब बेहोश था उसके बाद से दोबारा मेरी उससे बात ही नहीं हुई। अब वो शायद होश में आ गया, आज साइड में बैठा हुआ है, अपन बैठ के बात कर लेते हैं, उससे चल के बात कर लेते हैं क्या स्थिति है, क्या कारण है। अभी कारण वो बेहोशी की हालत में था। लोग कह रहे हैं कि भाई किन्नरों का साथी है, उन्हीं के साथ कोई बात हुई होगी, शायद अब होश में आ गया तो बता पाएगा। क्या न्यूज़ के लिए ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट।